आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में। देखिए, देश में जो क्रेडिट कंट्रोल है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ही अप्लाई करता है। इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप प्लीज वो देखिए। आज का टॉपिक सिर्फ मेथड्स का रहेगा। ब्रीफ में, छोटे में आपको बताते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है। क्रेडिट कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट होता है। क्रेडिट माने पैसा, उधारी का, जो हम अपने देश में रेगुलेट करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को या तो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है विद द एम टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, साधारण सी बात है, आपको मुझे लोन चाहिए तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक बहुत आसानी से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछकर, हमारी फाइल देखकर इजीली हमको लोन दे देता है। ठीक है, आप भी लोन लेके घर आ जाते हो, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है, आप कोई बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहते हो, कोई शॉप खरीदना चाहते हो, वो आप अपने काम में लग जाते हो। और कभी कभी हम देखते हैं कि यार लोन लेने में दिक्कत बहुत आ रही है, पता नहीं कितने तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से कागज मांगे जा रहे हैं, इतना चीज हम कुछ अपना गोल्ड गिरवी रख रहे हैं, फिर भी बैंक बहुत नखरे दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आसानी से लोन मिल जाता है और कभी कभी इतनी ज्यादा दिक्कत आती है। तो होता ये है कि जो सेंट्रल बैंक है उसके निर्देश होते हैं दिए हुए कमर्शियल बैंक को कि आपने इतनी उधारी देनी है, किस किस को देनी है, किन किन रीजंस पे, किन किन किस किस इंटरेस्ट पे, कौन कौन सी सब्सिडी पे, किस किस कारणों के लिए देनी है। तो ये होता है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, है ना। अब देखिए, अब अगर हम आंख बंद करके कमर्शियल बैंक सबको ही लोन देने लग जाए, सबको ही एडवांसेस देने लग जाए, तो हर बंदे के पॉकेट में इतना सारा पैसा हो जाएगा। बहुत इजीली अगर लोन्स मिलने लग जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों की तो डिमांड ही बहुत बढ़ जाएगी। घर घर में 1-1 लाख रुपया आ जाएगा, घर घर वाले, एवरी पर्सन जो है वो अपनी डिमांड बढ़ा देगा। तो उतनी तो सप्लाई भी नहीं रहेगी ना देश में कि सबकी डिमांड को जो है वो फुलफिल किया जा सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो हमारा सेंट्रल बैंक है बहुत ज्यादा सोच विचार करके मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है, जिसमें मेन मुद्दा उठाया जाता है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, कि कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कितना पैसा देना है, किसको देना है, किन किन निर्देशों पर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। जो करता कौन है आपको बताया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके पीछे उसके कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस क्रेडिट कंट्रोल को करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, मुद्दे, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जो सेंट्रल बैंक है ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हमारे देश का प्राइस स्टेबिलिटी का रहना, मतलब कभी एकदम से प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, कभी एकदम से प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, है ना। कुछ पता ही नहीं है, आज सिलेंडर 900 रुपए का है तो कल एकदम शूट अप होके 1000 रुपीज का हो जाएगा। तो ये जो प्राइस का ऊंच नीच होना है, हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ना बनना है, ये हमको क्रेडिट कंट्रोल से ही बनाना है। देश में स्टेबिलिटी लानी है ताकि जो प्राइसेस हैं वो एकदम से ना उठ जाए, एकदम से ना गिर जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे हमारे देश में, इम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्सिमम रहे, लोगों को रोजगार जो वो मिलता रहे। देखिए, इंडस्ट्रीज के लिए लोन्स दोएंगे अगर सरकार, तो ही लोग इंडस्ट्रीज लगाएंगे। जब इंडस्ट्रीज लगेंगे तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हम इंडस्ट्रीज पे लोन देने को ही बैन लगा के बैठ जाएं तो भैया लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेरोजगारी में बदल जाएगी। सो दिस इज नॉट गुड। तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी अगर कमर्शियल बैंक उधारी देना बंद कर देंगे, है ना। ना तो कोई नया बिजनेस शुरू होगा, ना ही कोई नई फैक्ट्री लगाएगा अगर उनको लोन नहीं मिलेगा। अब घर में तो पैसे उठते नहीं है ना कि हर घर से उठाए और हम फैक्ट्रीज लगा के बैठ जाए। यू नीड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पैसा तो चाहिए, तो वो आना कहाँ से है, वो कमर्शियल बैंक से ही तो आना है। तो इन सब, ये है उसके मुद्दे, ये है उसके ऑब्जेक्टिव्स, किसके, सेंट्रल बैंक के, हमारे देश को स्टेबलाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लाने के लिए, हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल स्टेबल रहे, डॉलर के मुकाबले रुपए का वो बहुत ज्यादा गिरावट ना आ जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख कर ही, इन सब मुद्दों को प्रायोरिटाइज कर कर ही सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट कंट्रोल को करता है। ठीक है, चलिए अब है हमारे मेथड्स।
तो उन क्रेडिट कंट्रोल को करने के लिए क्या 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 वो है, उसके हाथ में मेथड है। पहला है, हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स, दूसरा नाम उसी का है जनरल मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव और जनरल मेथड्स भी एक टेक्निक है सेंट्रल बैंक के हाथ में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी है क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेथड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, बात आती है क्वांटिटेटिव या जनरल मेथड्स की। इसमें तीन मेथड्स जनरली होते हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। ये जो मेथड्स हैं, ये क्रेडिट के टोटल वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं। इनका उद्देश्य क्या रहता है, कितनी उधारी देनी है। ठीक है जी, आप मान लीजिए सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक ने निर्देश दे दिया कमर्शियल बैंक को, ठीक है, आप जाते हो, आप कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने जाते हो। कमर्शियल बैंक के पास मान लो 10 लाख रुपया पड़ा है, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि 10 लाख में से भैया 1 लाख तो तू रख ले अपने पास, 9 लाख रुपया बांट दे। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव जनरल मेथड्स के अंदर आता है कि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को बोल दिया कि 1 लाख रुपया मत छेड़ना, उसको सेपरेट रहने देना, 9 लाख रुपया बांट दे, जो आ रहा है उसको दे दे। तो ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द बैंकिंग सिस्टम को ये क्वांटिटेटिव या जनरल मेथड्स अफेक्ट करते हैं। दीज मेथड्स रेगुलेट द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द होल इकोनॉमी। देश में कितना लोन दे दिया जाएगा है? ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारे क्वांटिटेटिव जनरल मेथड्स के थ्रू ही सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 लाख में से अगर सेंट्रल बैंक ने कह दिया 1 लाख रुपया साइड पे रख दे, 9 लाख रुपया बांट दे, तो वो 9 लाख रुपया बांट दे। अगर उसको बोला गया 10 लाख में से तुम 2 लाख नहीं छेड़ना, 8 लाख बांटना, तो वो 8 लाख बांट देगा। तो वो कमर्शियल बैंक की पावर कितनी है लोन देने की, लेंडिंग एबिलिटी है ना, ये कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा, इन मेथड्स के थ्रू ही डिसाइड करेगा। दीज मेथड्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं, तो हम इस बात को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि जो लोन लेने आ रहा है मेरे और आपके जैसा इंसान, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए आ रहा है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आ रहा है, या टर्शरी सेक्टर के लिए आ रहा है, वो फार्मा इंडस्ट्री का है, या वो होटल इंडस्ट्री का है। क्वांटिटेटिव मेथड्स को इन सब से लेना देना कोई नहीं, उनको सिर्फ इतना लेना देना है कि 1 लाख रुपए का अगर लोन दिया जा रहा है, तो उसके बदले मुझे इतना ब्याज चाहिए। तुम कितना, किस किन शर्तों पे लोन दिया जाएगा, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम में मैं नहीं मानूंगा, बैंक ऐसे बोलेगा। अब वो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें बैंक ये नहीं देखता कि मैं एजुकेशन सेक्टर के लिए लोन लेने आई हूँ या मैं होटल बनाने के लिए लोन लेने आई हूँ, है ना। इससे क्वांटिटेटिव मेथड में ये जो किस सेक्टर को लोन दे दिया जा रहा है, इसकी वार्तालाप, इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती। क्वांटिटेटिव जनरल मेथड्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, कितना देना है, कितनी उधारी देश में दी जाएगी, उसकी बात होगी। समझे जी, आगे बढ़ेंगे। दिस मेथड इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता कि उस क्रेडिट का किधर यूज किया जा रहा है, उस क्रेडिट का किधर, मैंने उस पैसे से क्या करना है, इसके बारे में हम बात नहीं करते क्वांटिटेटिव मेथड में, हम वो बातें क्वालिटेटिव मेथड में करते हैं। ठीक, तो ये थे क्वांटिटेटिव जनरल मेथड्स के जनरल बातें। अब क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं कौन कौन से, एक है हमारा सबसे पहला बैंक रेट, फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और फिर है जी कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, इन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आर्टिकल बनाया है, वीडियो बनाया है, आप प्लीज उसको देखिए, आपको ये तीनों चीजों का विस्तार से क्लैरिटी के साथ सब समझ आएगा। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव कंट्रोल मेथड्स की। ये क्वांटिटेटिव से अलग है। दीज मेथड्स ये भी सेंट्रल बैंक ही यूज करता है, क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए करता है, टू इनफ्लो इनटू द पर्टिकुलर डायरेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। अब बात यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है, कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, कि इंश्योरेंस को बढ़ावा देना है, टर्शरी को बढ़ावा देना है, ये वार्तालाप यहाँ होगा क्वालिटेटिव मेथड्स में, हमारा देश किस तरफ बढ़ेगा। ठीक है, देखिए अभी क्या है, आप देखो फार्मा इंडस्ट्री इतना बढ़ रहा है, हर दूसरी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री
बनती जा रही है एंड दे आर मेकिंग मनी, और वो मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो हमारे देश में ये फार्मा का झुकाव आ गया, तो किस डायरेक्शन में गया वो पैसा जो उधारी में बटा, वो किस ओर जा रहा है, ये है क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेथड्स की देन। ठीक है, दीज मेथड्स लेट द सेंट्रल बैंक डाइवर्ट द इन्वेस्टमेंट इनटू प्रायोरिटी सेक्टर्स। देखो, अभी हमारा देश में प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक कि अभी हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमें आगे बढ़ना है, इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई कॉलेज खोलने के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कोई लोन लेने आता है तो भैया फटाफट दे दो, इसी बहाने हमारे देश में एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। आपने पिछले दिनों देखा होगा इतनी यूनिवर्सिटीज खुल गई, इतने BDS कॉलेज खुल गए कि टू मच हो गया, कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो वो क्या था, वो ये था कि क्वालिटेटिव सिलेक्टिव मेथड्स में सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को बोला कि दो यूनिवर्सिटीज को आप लोन दो, लोन दिया गया तो आपको आपको देखने में मिलेगा कि यू हैव सो मेनी यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री कि आपको नाम गिनवाने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में डिसाइड करता है कि पैसा किधर लगना है। वो बोलेगा एजुकेशन में लगना है, फार्मा में लगना है, होटल इंडस्ट्री टूरिज्म में लगना है। तो जैसे जैसे निर्देश वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को देगा, कमर्शियल बैंक्स वैसे वैसे ही फॉलो करते जाएंगे। तो ये डिसाइड कौन करता है कि प्रायोरिटी, प्रायोरिटी माने इसको नहीं उसको, उसको नहीं उसको, इसको बोला जाता है प्रायोरिटी, है ना। तो ये जो प्रायोरिटी है कि उसको इसकी तरफ झुकाव कर दो, ये लोन इनको देने शुरू कर दो, तो ठीक है वो वैसे करने देने लग जाएंगे। लेकिन ये डिसाइड सेंट्रल बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में करना है कि हमने देश को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो जायंट बिजनेस हाउसेस है ना, वो ही सारा का सारा लोन उठा लेते हैं, और मेरे आपके जैसे छोटे मोटे अगर हम कुछ करना चाहे तो हमारे लिए तो लोन ही नहीं बचता। तो ये भी कौन डिसाइड करता है, ये भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि आपने बिग बिजनेस हाउसेस को लोन देना है, कि ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं इनको लोन देना है, नए वेंचर को लोन देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो हमारा देश किसको प्रायोरिटी देगा, किसको तवज्जो ज्यादा देगा कि ये सही है इसको लोन दो, तो वो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को निर्देश देने हैं क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू, और उसी के डायरेक्शन में हमारा देश आगे बढ़ता है। नाउ दीज मेथड्स अफेक्ट द टाइप ऑफ क्रेडिट, नॉट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। देखो वॉल्यूम मतलब कितना पैसा, कितनी उधारी देनी है, ये बातें क्वालिटेटिव ने नहीं देखनी, ये क्वांटिटेटिव ने देखनी थी। ठीक है, यहां हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्रेडिट। टाइप ऑफ क्रेडिट मतलब देखो, आप आपको फाइनेंस करवानी है गाड़ी, ठीक है, आज की डेट में तो माइक्रोवेव भी फाइनेंस हो जाता है, वॉशिंग मशीन भी फाइनेंस हो जाती है, तो उसके लिए ठीक है आपको कुछ अर्नेस्ट मनी, एक लमसम पेमेंट पहले देनी पड़ती है, उसके बाद आप किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में बाकी का पैसा दे सकते हो। तो अगर आपने 25,000 की चीज खरीदी तो आपको डाउन पेमेंट मतलब उसी समय जो पेमेंट है वो 5,000 देनी है बाकी के किश्तों में, या आपको डाउन पेमेंट 10,000 देनी है बाकी के किश्तों में। ये कौन डिसाइड करेगा, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। अगर सेंट्रल बैंक ऐसा सोचता है कि हर घर में वॉशिंग मशीन होनी चाहिए तो वो आसान किश्तें बना दी जाएंगी, और अगर सेंट्रल बैंक ऐसा सोचता है कि अरे भैया अगर घर घर में वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसकी किस्तें डिफिकल्ट बना दी जाएंगी और हम एनकरेज ही नहीं होंगे उसको लेने के लिए, वो तौबा इतना ब्याज, उसका ब्याज बढ़ा दिया जाएगा अगर सेंट्रल बैंक वो घर घर में चीज नहीं देखना चाहता। अगर सेंट्रल बैंक ऐसे सोचता है कि हर घर में गाड़ी होनी चाहिए तो क्या होएगा, गाड़ी में लोन लेना बड़ा आसान कर दिया जाएगा, आपको डाउन पेमेंट भी थोड़ी देनी पड़ेगी और वो जो किस्तें हैं वो भी आपको कम ब्याज पर फटाफट मिल जाएंगी और आप खुशी खुशी वो ओके करके घर आ जाओ। तो टाइप ऑफ क्रेडिट, कितना क्रेडिट, कैसे मिलना है, किस चीज पे मिलना है, ये सब बातें क्वालिटेटिव सिलेक्टिव कंट्रोल मेथड्स में आती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और डिस्कस होती है, मान लीजिए मेरी इनकम इतनी है और आपकी इनकम मुझसे थोड़ी ज्यादा है, तो ये इनकम कैटेगरी को भी देख के लोन दे दिया जाएगा। कभी सेंट्रल बैंक बोलेगा कि जो थोड़े इनकम वाला है उसको दे दो लोन, जो बड़ी इनकम वाला है उसको दे दो लोन। ये सब बातें क्वालिटेटिव सिलेक्टिव कंट्रोल मेथड्स में आती हैं और वो आपकी प्रोफाइल देखकर, आपके केस को स्टडी कर ही आपको लोन देते हैं। ठीक है, नाउ दीज मेथड्स इफेक्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ राइट, नॉट द साइज ऑफ द क्रेडिट। मैं रिपीट करती हूँ, साइज ऑफ द क्रेडिट किसने देखना है, साइज ऑफ उधारी देखनी है क्वांटिटेटिव सिलेक्ट क्वांटिटेटिव मेथड्स में। जो हम क्वालिटेटिव की बातें कर रहे हैं वो कॉम्पोजिशन देखेगा। ठीक है, तो
ये बात हो गई हमारी क्वालिटेटिव सिलेक्टिव मेथड्स की। अब क्वालिटेटिव में कौन से मेथड आते हैं, देखिए एक आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन, पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट एक्शन। इन सब के ऊपर मैंने विस्तार में आर्टिकल बनाया है, आप प्लीज उसको देखिए और समझिए। ये 6 के 6 पॉइंट्स वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड है वहां पर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।